आसनसोल का सौभाग्य है कि भारत माता का एक ऐसा सपूत आज आपके बीच में, जो इसी माटी का सपूत है जिन्होंने इसी आसनसोल में जन्म लेकर के यहाँ के विकास के बारे में, भारत के विकास के बारे में, भारत को दुनिया की बड़ी ताकत बनाने के लिए और मोदी जी के आत्मनिर्भर और विकसित भारत की संकल्पना को पूरा करने के लिए जिनमें जज्बा है कार्य करने का, शेर जैसा दिल है, जूझने की प्रवृत्ति है, ऐसे ऐसे सोल अहलूवालिया जी को भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी ने अपना प्रतिनिधि बनाकर के आसनसोल में भेजा है। और इसलिए बहनों और भाइयों, मैं आपको कहने के लिए आया हूं, सुरक्षा आपकी है, बंगाल भी आपका है, भारत भी आपका है और वोट भी आपका है, और इसलिए निर्णय भी आप ही को करना है। और आपका निर्णय अगर भाजपा के पक्ष में आता है तो सुरक्षित और समृद्ध बंगाल बनेगा, सुरक्षित और समृद्ध आसनसोल बनेगा। बहनों और भाइयों, तनिक भी भूल आतंकवाद के उस दौर को ला देगा, नक्सलवाद के उस दौर को ला देगा जहां विस्फोट होते थे, अराजकता फैलती थी, गुंडागर्दी का वो दौर जो भारत ने झेला है। बहनों और भाइयों, बंगाल को भी चाहिए यूपी जैसा मॉडल, चाहिए ना, चाहिए ना। देखो ना, पहले लोग कहते थे जब कोठारी बंधु बलिदान हुए थे तब नारा लगता था, अंतिम समय में भी उन्होंने एक नारा लगाया था कि रामलला हम आएंगे, यही नारा लगता था ना। एक कांग्रेस और टीएमसी के लोग, ये नाम भले ही अलग अलग हैं लेकिन एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, कोई अलग नहीं है। लूट में, अराजकता में, भ्रष्टाचार में, ये तीनों, कांग्रेस, टीएमसी और कम्युनिस्ट, ये तीनों एक ही है। नाम भले अलग अलग होगा क्योंकि लूट का तीनों का तरीका अलग अलग है लेकिन तीनों एक हैं। इसलिए तीनों पे विश्वास नहीं करना, हमें आध्यात्मिक परंपरा को समृद्ध बनाने के लिए कार्य करना है और आध्यात्मिक परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए मैं आज आपके पास आया हूं, यही कहने के लिए कि यह हमारा दायित्व बनता है कि गुरुओं की भूमि को, आध्यात्मिक गुरुओं की इस भूमि को, क्रांतिकारियों की इस भूमि को मोदी जी के विजन के अनुरूप सोना और बांगड़ा बनाने के लिए 13 मई के लिए चौथे चरण में आपको चुनाव करना है। बहनों और भाइयों, चुनाव के दौरान प्रत्याशी का घर घर जाना कठिन होगा, एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी काफी विस्तार होती है और मेरी आप सबसे अपील होगी, मोदी जी का प्रतिनिधि बन करके, अहलूवालिया जी का प्रतिनिधि बन करके घर घर आप स्वयं जाइए, कमल चुनाव चिन्ह के लिए वोट लाइए, इलेक्ट्रॉनिक जो वोटिंग मशीन है ईवीएम में पहले नंबर पर एसएस अहलूवालिया जी का नंबर है कमल छाप का और पहला बटन दबाना है, इसके लिए सहमत हैं? घर घर जाएंगे, सुरक्षित और समृद्ध बंगाल बनाएंगे, आत्मनिर्भर और विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने में योगदान देंगे, सभी लोग सहमत हैं? तो मैं निश्चित होकर के जाऊंगा कि अहलूवालिया जी भारी बहुमत से विजयी बनेंगे, सहमत है ना, किसी बहकावे में तो नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, सभी को, सभी सहमत है ना। तो बहनों और भाइयों, आप देखना, आप भी ऐसे आगे बढ़ेंगे जैसे आज अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण आसानी से हो गया, सहमत है ना। कितने लोग अयोध्या गए, गए ना पहले में, अब में अंतर आया होगा ना, अब तो अच्छा लगा होगा ना बंगाल वहां पे। और बहनों और भाइयों, जैसे अयोध्या आज आपकी भक्ति होगी ऐसे ही बंगाल को भी बनाना है, सहमत है ना, सभी लोग सहमत हैं? तो सब मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे।